रेसिपी का पता चल जाएगा। नहीं नहीं रुबाब छोड़ो, तुम किन चक्रों में पड़ रही हो? सारी जिंदगी पड़ी है ये काम करने के लिए। अभी तुम किचन से बाहर जाओ ना, जाओ तुम बैठो उधर अम्मी के पास बैठो। क्या हुआ रुबाब बेटा, आप किचन में गई थी वापस आ गई हो? जी अम्मी, वो भाभी कह रही है कि वो कर लेंगी, आपको कोई चीज चाहिए? आपने दवाई ली अम्मी? बस बेटा ऐसा ही है, ये थोड़ी सी मूडी है। मैंने भी ऐसे ही गुजारा किया है। अम्मी अभी फोन आया था अब्बू का, वो कह रहे ग्रोसरी करने जाने, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, रुबाब आपके पास रहेगी, ये कहाँ उधर ग्रोसरी में खपेगी। वो असल में अम्मी सरमत का फोन आया था, वो कह रही थी तुम तैयार रहना मैं आऊंगा, तो डिनर का प्लान बाहर था हमारा। तो रुबाब बेटा तुम्हें कौन रोक रहा है, चली जाना। हाँ मैं मुना, आप बेटा बच्चों को छोड़ जाना मेरी जान मेरे पास, अच्छा मैं रह लूंगी, मेरी ना फिक्र करना मेरा बच्चा। हाँ जी अम्मी, मरियम तो घर पे ही है, उबैद भी बस ट्यूशन से आके ना आपके पास ही बैठ के पढ़ लेगा बाकी का। रुबाब आपको कोई चीज चाहिए? चलो आप बेशक मुझे बाद में फोन या टेक्स्ट कर देना जैसे आपको याद आएगा ना, ठीक है? मजे का बना आज खाना। किसने बनाया, मैमूना आपने या रुबाब आपने? मजे का लगे अम्मी, मैंने बनाया है। वो मैं सोचा था कि कल कुकिंग रुबाब कर ले। क्यों, बेगम के आते भाभी के हाथ का खाना बुरा लगने लग गया? मजाक कर रही हूँ, बात सुनो मैं भी, मुझे पता है तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेगम का भी हाथ खुल जाए जरा कुकिंग में। रुबाब कल से तुम आ जाना, मिलके बना लेंगे। पानी पकाए? रुबाब बेटा इधर आओ बैठो, मैंने आपसे एक बात करनी है। कल शुमाइला का रिश्ता देखने कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे घर, सियालकोट से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रह पड़े। तो बेटा मैं चाह रही थी कि बर्तन और बिस्तरे आप ज़रा अपने नए वाले निकालो, मेमूना के तो आपको पता है कि इस तरह के नहीं हैं कि हम मेहमानों के सामने रखें। मरियम और उबैद के पापा मेरी बात सुने जरा, आपने सरमत को नोट किया कैसे रुबाब के आगे पीछे उसकी हर बात मानता है? इतना प्यार करता है सरमत उस रुबाब चुई से। आपने कभी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि कल आपने मुझे सब्जी कौन सी ला के देनी है पकाने के लिए, अपनी मर्जी से ले आते हैं। जब देखो इस घर में सबकी पसंद के शलजम 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 आते रहते हैं, मैं तो तरस गई हूँ कभी बैंगन पका के खाने को।